नमस्कार, डीवी लाइव में आपका स्वागत है। और डीवी डायलॉग में आज हमारे मेहमान हैं पूर्व गवर्नर और बहुत चर्चित शख्सियत सतपाल मलिक साहब। सतपाल मलिक साहब चार राज्यों के गवर्नर रहे और जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर रहे। आखिरी इसलिए क्योंकि अब वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अपने बयानों से और काफ़ी विवादों में रहते हैं सतपाल जी, और आपका स्वागत है डायलॉग में। लेकिन उस विवादों की, उस बयानों की कभी कभी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो एक जो खामियाजा अभी सामने आया कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे और उसके बावजूद इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई, इनके पास कोई सरकारी मकान नहीं है और दिल्ली में रहते हैं, और जम्मू कश्मीर के मलिक साहब आप गवर्नर रहे और काफ़ी एक ऐसा कहें कि टर्निंग पॉइंट के समय गवर्नर रहे आपकी, धारा 370 जब हटा तब हटी। और क्योंकि कश्मीर को एक इंटरनेशनल फोकस है, उसका आतंकवाद है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, बड़ी घटनाएं वहाँ होती रहती हैं आए दिन, और आप उसके गवर्नर रहे उस पीरियड में, और अब आपकी सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि एक कोई ठग सिक्योरिटी लेके घूम रहा है गुजरात से गया हुआ। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास भी सिक्योरिटी है और आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, क्या कहना? अभी इसमें कुछ नहीं कहना, वो तो जिनके हाथ में है अंजाम उनको देखना है। पर कश्मीर की वहाँ की कमेटी थी, उसने लिखा था जब मैं हट रहा था कि इनको जो थ्रेट है वो रियल है, पाकिस्तान से भी है, लोकल टेररिस्ट से भी है, तो इनको सरकारी मकान दिया जाना चाहिए और इनको सिक्योरिटी प्लस देनी चाहिए। अब इन्होंने मुझे एक वो दिया है, पीएसओ जी। तो आपने लिखा इसके बारे में? मैंने दो बार होम मिनिस्टर को लिखा था और उन्होंने पावती आ गई थी कि हमें चिट्ठी मिली, लेकिन हुआ कुछ नहीं जी। कश्मीर पे आते हैं, पहले शुरुआत में आपसे और बातें होगी। 370 जब विड्रॉ हुआ जी, उसके दो दिन पहले तक आपका बयान आया कुछ नहीं होगा, और उसके बाद हो गया, तो आप लूप में नहीं थे? नहीं, मुझे ये तो पता था कि ये होना है, लेकिन किस दिन होना है ये पता नहीं था। वो तो मुझे एक दिन पहले ही कहा गया कि सुबह आप ये चिट्ठी भेजिए, ये 11 बजे राज्यसभा में रखेंगे और फिर ये हटेगा। तो मेरी चिट्ठी पे ही हटना था, या तो असेंबली करती, असेंबली थी नहीं, गवर्नर रूल था। तो मैंने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्टर को, वो चिट्ठी पेश की गई, उस पर राज्यसभा में पास हुआ। इसकी क्या भूमिका बन रही थी जब आप गवर्नर से? नहीं, मुझे तो शुरू से पता था कि किसी दिन हटना है 370। जब मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा था तब भी मेरे जहन में ये था कि अगर ये डिसॉल्व नहीं हुई और महबूबा की सरकार बन गई तो कभी नहीं हटेगी 370, और हटती भी नहीं। पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या थी? मेरी व्यक्तिगत राय थी कि हटनी चाहिए, चूंकि उसमें इसके बिना हटे कश्मीरियों का भारत से रिश्ता वो अब मानते नहीं थे कि हम भारतीय हैं। मलिक साहब, आप गवर्नर जब बने जी तो बड़ी उम्मीद थी जी। उम्मीद ये थी कि बहुत लंबे अंतराल के बाद एक पॉलिटिशियन जो है, राजनीतिक व्यक्ति वहाँ का गवर्नर बन रहा था, और आमतौर पर वहाँ गवर्नर पुलिस से या आईएएस से रिटायर हुए या फौज से रिटायर हुए लोग ही बनते थे। पहले आपके पहले एक पॉलिटिशियन थे कर्ण सिंह साहब, डॉक्टर कर्ण सिंह, वो शुरू में थे, बहुत शुरू में। तो उसके बाद आप बने गवर्नर एक पॉलिटिशियन, तो एक उम्मीद थी कि पॉलिटिशियन जो है वो लोगों से इंगेज करता है, लोगों से बात करता है। तो वो इंगेजमेंट क्या रहा आपका? वो ये रहा कि मैंने अपना फ़ोन सबको दे दिया था और मैं सबका फ़ोन उठाता था डायरेक्ट, तो मेरा पब्लिक से एक रिलेशनशिप, एक रेपो हो गया था, टू द एक्सटेंट कि हुर्रियत भी ये कहने लगी थी कि
तो ठीक आदमी है, सही बात करता है। और उसी का नतीजा था कि 370 हट गई और एक चिड़िया भी नहीं बोली, एक पत्थर भी नहीं चला। लेकिन मैं गया था एक महीने बाद कश्मीर, और तब लॉकडाउन था, फोन बंद थे, लेकिन लोगों में गुस्सा तो था। वो है नेचुरली, ज़्यादा गुस्सा कश्मीर को डाउनग्रेड करके और ये यूटी बनाने का था। प्रेस फ्रीडम का भी बहुत बुरा हाल था। प्रेस फ्रीडम तो वहाँ ऐसी रहती है, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ज़्यादा गुस्सा था यूटी बनाने पे कि हमारी स्टेटहुड छीन ली। कश्मीर में आपके अंतराल में मैं आगे भी आपसे और बात करूँगा, लेकिन कश्मीर में आपके टेन्योर में काफ़ी कुछ हुआ और आप बोलते भी रहे। बाद में आपने बोला कि वहाँ पे आपको रिलायंस की तरफ से 300 करोड़ रुपये घूस देने की बात हुई थी, दो फाइलें थीं। वो मुझे नहीं, मतलब वो दो फाइलें थीं, अगर मैं उनको पास कर देता तो मुझे मिल जाता तीन, चूँकि वो आम चर्चा थी कि इनमें 300 करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट है। तो वो क्या कौन से मामले थे? एक तो हाइड्रल पावर का था और एक इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का था जी। हाँ जी, तो मैंने दोनों को इंश्योरेंस ख़त्म कर दिया। मैंने ऐसा कर दिया जैसे CGHS में फ्री, उसमें सरकारी कर्मचारी से 8,500 रुपये साल लिया जाता और रिटायर्ड से 20,000 रुपये लिया जाता। आपने कहा था कि RSS का कोई व्यक्ति आपसे मिला था। अब वो मेरा बार बार बोलना ठीक नहीं है, पर उसमें राम माधव जी इंटरेस्टेड थे और उसका सबूत यह है कि नेक्स्ट डे 7 बजे वो मेरे पास आए राजभवन और उन्होंने कहा भाई कैंसिल कर दिया तुमने? मैं कह जी हाँ। कहने चिट्ठी चली गई? मैं कहा मैं पता करता हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा इसकी चिट्ठी चली गई क्या? उन्होंने कहा कल ही चली गई थी। तो बड़े अपसेट हुए, उन्होंने कहा ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा ये वो। मैं कहा भाई इन्वेस्टमेंट आए या ना आए मैं गलत काम नहीं करूँगा। इसमें खराबी ये है कि एक तो सरकारी कर्मचारियों को पैसा देना पड़ेगा और दूसरे जो इसमें अस्पताल शॉर्ट लिस्ट किए हैं 4-5, वो बिल्कुल थर्ड ग्रेड अस्पताल हैं, मतलब इस लायक नहीं है कि उनके लिए लोग पैसा दें। ठीक है, आपने वो निरस्त कर दिए थे वो, लेकिन राम माधव व्यक्तिगत रूप से आपसे मिले? पर्सनली मिले थे स्पेशली। और ये कहा 7 बजे सवेरे, मैं नहाया भी नहीं था। अच्छा। और रिलायंस का वकालत किया? नहीं, रिलायंस का नहीं, इस डील का वकालत किया। तो डील में तो रिलायंस ही था। अब जो भी था रिलायंस इंश्योरेंस था उसमें। पावर प्रोजेक्ट की बात भी की उन्होंने? पावर प्रोजेक्ट की उन्होंने नहीं की, उसमें दूसरे लोग थे। उसके बाद CBI ने कई जगह मामले दर्ज किए जी। आपसे कोई बयानबाजी हुई? क्या मामला है? देखो मेरे खिलाफ तो दर्ज नहीं किया चूंकि मैं तो विसिल ब्लोअर हूँ। मुझे सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि एक बार 5 मिनट के लिए, हम आपको दफ्तर तो बुला नहीं सकते, हमारा गेस्ट हाउस है वहाँ, 5 मिनट आके चाय पी लें, हमें बैकग्राउंड इसका बता दें। तो मैं गया, मैंने सही सही बता दिया ये लोग हैं और ये सब माननीय प्रधानमंत्री के लोग हैं। आप किताब भी लिख रहे हैं जी तो किताब का रेंज पीरियड क्या होगा? यही होगा, वो तो मेरा एक साल 2 महीने 3 महीने का है, वही रहेगा सिर्फ कश्मीर का। कश्मीर पे मेरे फोकस कश्मीर पे होगा किताब का। और आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात के लिए मुझे फख्र है कि मुझे पूरे टेन्योर में एक राउंड कहीं फायर नहीं कराना पड़ा लोगों पे। तो क्योंकि कश्मीर के टेन्योर पे सतपाल जी आप किताब लिख रहे हैं, तो उसी टेन्योर में पुलवामा हुआ और पुलवामा में कई इंटेलिजेंस इनपुट्स थे जी। और पूरे जनवरी भर थे, आखिरी इंटेलिजेंस इनपुट 13 फरवरी को था। उसके बाद 2,500 CRPF के लोग बाई रोड ले जाए गए। 1,000 जो मीडिया में खबरें हैं, 2,500 नहीं 1,000 उन्होंने 78 गाड़ियों में उन्होंने रक्षा मंत्री से जहाज की वो की थी रिक्वेस्ट, क्योंकि इतने लोग उसमें नहीं जाते हैं कारामन, इनको जहाज नहीं दिया गया। अगर वो मेरे से कहते तो मैं जहाज दिला देता उनको। 40 लोग हमारे उसमें CRPF के उसमें मरे। 300 किलो RDX कहते हैं कि आ गया वहाँ पे। वो रूट लॉक था 2 दिन पहले से? नहीं, कुछ लॉक नहीं था। आप हैरत करेंगे, जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त तक भी
जब ये गुजर रहा था कारवां, तो उसमें 8-10 लिंक रोड मिलती हैं उस 10 किलोमीटर के एरिए में, कहीं पे एक जिप्सी भी नहीं खड़ी थी। तो ये कैसे हो गया? लापरवाही, इनकॉम्पिटेंस, इंटेलिजेंस फेलियर था। इंटेलिजेंस इनपुट थे। आप गवर्नर थे और उस वक्त गवर्नर थे जब मुख्यमंत्री भी नहीं था वहाँ पे। जी जी। तो गवर्नर तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड पूरा होता। नहीं नहीं, हमको नहीं था ये, हमारे पास नहीं आते थे ये, जो फोर्स है उन्हीं को इनपुट थे, मुझे नहीं था। मुझे होता तो मैं करता। आपको कोई जानकारी नहीं थी? नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। मुझे तो इनके मूवमेंट की भी जानकारी नहीं थी। जब पुलवामा की घटना हो गई तो आपको आपको कैसे मालूम पड़ा, कैसे एक्टिव हुए? क्योंकि प्रधानमंत्री तो एक डॉक्यूमेंट्री की फिल्म कॉर्बेट पार्क में थे। कॉर्बेट पार्क बाहर आके ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया था। तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो, मुझे तकलीफ थी कि ये हमारी गलती से हुआ, इनको अगर हम प्लेन दे देते, इतना लंबा हमको रूट रोग ट्रेवल देना ही नहीं चाहिए था, या फिर उसका प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए था। पुलवामा के बारे में बड़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी घूम, वो सब बकवास है। इसमें कोई किसी की कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, इनकॉम्पिटेंस थी। दविंदर सिंह का मामला भी आता है, उसको एनआईए ने गिरफ्तार किया था, छूट भी गया, वो बेल भी हो गई। वो कुछ आतंकवादियों को लेकर आ रहा था। ना ना, वो कुछ नहीं, दविंदर सिंह का इसमें कुछ नहीं लेना देना था। अच्छा, उसे मैं पर्सनली जानता हूँ, कुछ नहीं था इसमें। अच्छा, आप लेकिन बहुत बयान आपने एक बार और दिया कि आप मिले किसानों के मामले में मोदी से, और वो मोदी साहब ने कहा कि हमारे लिए थोड़ी ना मरे किसान, ऐसा आपने पब्लिक मीटिंग में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया शायद। क्या था पूरा मामला? जब ये तो नहीं कहा उन्होंने, बट उन्होंने उन्हें जब मैंने कहा कि साहब ये 6 महीने से बैठे हैं, आप इनको किसी तरह ले दे के निपटा दो, और बहुत बुरे हाल में हैं, मर जाएंगे, कहीं नहीं मरेंगे, ये सब चले जाएंगे। जी जी जी। फिर आप अमित शाह से मिले? हाँ, उनसे भी मिले, उनको भी बताया। अमित शाह ने कहा कि इनको कुछ लोग भड़काते हैं। नहीं नहीं, अमित शाह वो गलत, हमारे अकल मारी गई है। नहीं नहीं, वो हमारे आपको ये बयान है, वो गलत, हमें ना मैंने कहा, और कहा भी हो तो नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं था। आप ही ने कहा कि अमित शाह ने कहा इनकी कुछ लोगों ने अकल मार रखी है। नहीं, आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहा हूँ वो बयान। आपने ऐसे ही दे दिया था? नहीं, दिया ही नहीं था वो। ये बताइए कि आप बीजेपी में गए 2004 में, 2004 में बीजेपी में गए, तो उस वक्त 2002 हो चुका था जी। वाजपेयी जी का 2004 में जब चुनाव हार गए, तो मैंने इंटरव्यू भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था हम गुजरात की वजह से हार गए। उसके बाद आप कहते रहे कि आप नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक भी रहे। हाँ, वो ये सही है। तो इतना लंबा आपका समाजवादी आंदोलनों का जुड़ाव हो रहा है, कैसे? देखिए, नरेंद्र मोदी 2002 कैसे, कोई भी पीरियड हो, गुजरात में जब नरेंद्र मोदी थे वो प्रो फार्मर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को MSP के लिए चिट्ठी लिखी थी, और उन्होंने अपने यहाँ कपास का बीज संघ की सिफारिश के खिलाफ जाके उसको वो किया था, क्या बोलते हैं, जो उसका मॉडर्नाइजेशन किया था, कपास के किसानों की आमदनी बढ़ाई थी, फिर उनका एक्सपोर्ट किया था चाइना के लिए। तो बहुत प्रो फार्मर इनका इमेज था, इसलिए मैं इनको सपोर्ट करता था। लेकिन एक दूसरी इमेज भी थी ना, जो बहुत एंटी माइनॉरिटी मुसलमानों के खिलाफ आज भी है। देखो, सही बात तो ये है कि गोधरा हुआ था, गोधरा के रिएक्शन में दंगे हुए थे, और उन दंगों की मुझे अंदर तक की जानकारी है। उसमें करीब 800 हिंदू भी मरे थे, पुलिस की गोली से कंट्रोल करते हुए, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। तो इनका जिस तरह लोग कहते हैं, उस तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब आप नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहा हूँ साहब जी। आज की पॉलिटिक्स में आते हैं तो RSS काफ़ी हस्तक्षेप करती है, आपने कई बार बयान दिए। गोवा में जब आप गवर्नर से, तो आपने कहा कि RSS के लोग का इंटरेस्ट माइनिंग में है, बीजेपी RSS के लोगों का इंटरेस्ट माइनिंग में है।
ये नहीं काम, वो वहाँ एक आरएसएस का आदमी था जो संगठन मंत्री था, उसका हर चीज में इंटरेस्ट था। तो उसके बाद फिर आपको मेघालय भेज दिया गया। हाँ, हटा दिया, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री ने एक करप्ट चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट किया बजाय मेरे, मुझे हटा दिया, मैं मेघालय चला गया। जी। तो मैंने तय किया कि भाई अब भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलना है। लेकिन बिहार में भी आपका जो है वो उस वक्त जब आप गवर्नर थे तो बीजेपी समर्थित सरकार थी वहाँ। हाँ हाँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी सरकारों से नहीं पट रही थी वहाँ। नहीं नहीं, नीतीश कुमार थे तो ना पटने का कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन आप अकेले गवर्नर हैं जो जिस सरकार ने आपको बनाया उसके खिलाफ बोलते हैं। सरकार के खिलाफ नहीं बोला मैं सिर्फ एक इशू पे बोला जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक था, उस पर मैं ना बोलता तो मैं ग्लानि महसूस करता। मैं कोई प्रधानमंत्री के पर्सनली खिलाफ नहीं बोला, मैंने उनको सलाह दी कि साहब इसको निपटा दें, ये आपके इंटरेस्ट में है। मैंने उनको ये भी समझाया कि ये सिख जो हैं ये भूलते नहीं हैं 300 साल भी, इनसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। इसी तरह ये हमारे जाट हैं, ये तो हर छठे महीने लाल किले पर चढ़े रहते थे, तो जिससे लड़ो उसके बारे में जान लो, तो इनसे झगड़ा मत करिए आप। कहने लगे नहीं नहीं चले जाएंगे। उन्होंने बहुत नॉन सीरियसली लिया उस वक्त, बाद में तो माफ़ी मांग के कानून वापस लिए ना। नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के बारे में आपका क्या? वो मेरा ठीक नहीं है कुछ, सारा देश जानता है कौन क्या है कैसा नहीं है। नहीं, जिस तरीके से मान लीजिए BBC में जिस तरीके से रेड हुई, इनकम टैक्स वो चला गया, इनकम टैक्स का सर्वे हो गया BBC में डॉक्यूमेंट्री दिखाने के बाद, नहीं वो कोई जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से अडानी को बचाया जा रहा, जिस अडानी वाले को, जैसे राहुल गांधी के खिलाफ एक मुहिम चली, अडानी को बचाया जाना इनके लिए नुकसानदेह होगा, उससे जल्दी हाथ छुड़ा लें तो अच्छा है। राहुल गांधी के बारे में क्या आपकी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अब जो मेंबरशिप गई, राहुल गांधी अडानी के बारे में संसद में बोले, अभी भी बोल रहे हैं, उनकी स्पीच एक्सपंज हो गई, अभी भी बोल रहे हैं, बोलने नहीं दिया गया, अभी भी वो बोल रहे हैं, उनका अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जो 20,000 करोड़ का मामला है, तो आप वो रुपया कहाँ से आया, किसने दिया जो अडानी के यहाँ इन्वेस्ट हुआ? तो जिस तरीके से राहुल गांधी को स्पीकर ने अलाउ नहीं किया, वो अनप्रेसिडेंटेड था। राहुल का ये अधिकार बनता था कि वो अपना एक्सप्लेन करें, चूंकि उन पे आरोप लगाए गए थे 4 मिनिस्टरों द्वारा, तो स्पीकर ने इसमें सही काम नहीं किया। सतपाल मलिक जी, आप जनमोर्चा के फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं, जी जी, उस वक्त बोफोर्स के मुद्दे पर, करप्शन के मुद्दे पर आप VP सिंह, अभी गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और अरुण नेहरू, आप 5 लोग पूरे देश में घूम रहे थे, और उस वक्त मैंने भी वो रिपोर्टिंग किया है, उससे कुछ दौर की, तो करप्शन के मामले पर उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि बोफोर्स का मामला लोगों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ में आ गया, सरकार चली गई राजीव गांधी की बगैर पार्टी वाले VP सिंह, जनता दल तो बाद में बना, शुरुआत जनमोर्चा तो कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं थी, आज भी यही स्थिति दिख रही है अडानी को लेकर। अभी मैं देख रहा था एक दलितों की मीटिंग, उसमें एक लड़की संप्रभा मौर्या कुछ करके है, वो गा रही है, और वो गा रही है कि ये चाय वाला है ना गाय वाला है, अंबानी अडानी का ये लगता साला है, इसने देश बेच डाला। जब ये बातें ग्राउंड तक चली जाती हैं नीचे तक, तो आप ये मत समझें कि इसका असर नहीं होगा। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो काम VP सिंह ने बोफोर्स में किया था, तो राहुल गांधी वो काम अडानी बिना राहुल गांधी के चला गया है। चूंकि इस देश में जो बहुत मालदार आदमी है उसके लिए एक इनबिल्ट नफरत होती है गरीब लोगों में। 2024 का इलेक्शन, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब चला गया है डाउन द लाइन समाज में, और गाने लिखे जा रहे हैं, गाने बनाए जा रहे हैं, और आपका एक अनुभव है करप्शन के मामले पे ओपिनियन मोबिलाइज करने का, तो 2024 के इलेक्शन में आप क्या भविष्य देख रहे हैं मोदी सरकार का, BJP का? देखिए, अगर अपोजिशन के लोग, इनकी यूनिटी तो होगी नहीं क्योंकि सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ये सिर्फ इतना करें जो मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ, ज़्यादातर लोग उससे एग्री कर गए हैं
कि एक के मुकाबले एक उम्मीदवार हो, बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने अपोजिशन का एक उम्मीदवार लड़े तो 100% ही बीजेपी 150 सीट से ऊपर नहीं जाएगी। एक और बयान आपका आया था कि आरएसएस के लोग वाइस चांसलर को अपॉइंट करने में ब्यूरोक्रेसी में इन्फिल्ट्रेट करते हैं और आप चार राज्यों के गवर्नर हैं। जी जी, राहुल गांधी भी ये बात बार बार कहते हैं। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर सभी ताजा एक साल के अंदर अंदर लगे हैं, उनकी फहरिश्त मंगा के उनकी मेरिट आप देख लें, वो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होने लायक भी नहीं है, वो सिर्फ अपने आरएसएस कनेक्शन की वजह से लगे हैं। और मेरा तजुर्बा इसलिए है कि कश्मीर में मेरे पे बहुत दबाव डाला गया हो किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए, इसको आप वाइस चांसलर बना दें, मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल मेरिट पे बनाऊंगा, अगर इसका चार में नाम आ जाएगा, शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तो मैं बना दूंगा। वो चार में ही नहीं आया, वो फिर भी दबाव डालते रहे, मैंने मना कर दिया। उन्होंने आके यहाँ अमित शाह साहब से शिकायत भी की, मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि साहब ये रोज आ जाते हैं इस तरह के काम लेके, मुझे तो सूट नहीं करता ये करना। कहने नहीं छोड़ा, ऐसा करो कि 20-21 हो तो वो कर लेना, वरना ईमानदारी से करना। अरे सतपाल भाई जी, गवर्नर हाउस में पॉलिटिक्स गई है बहुत समय से गई है। जी जी, हमने कई लोगों को देखा यूपी में भी और भी जगह, ऐसा नहीं कि अकेले बीजेपी ले गई, बीजेपी के पहले भी जो गवर्नर थे, चाहे वो रामलाल हो चाहे रमेश भंडारी हो उत्तर प्रदेश के, पॉलिटिक्स गवर्नर हाउस में गई है। तो मेरे दो सवाल है, एक तो है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, गवर्नर के अपॉइंटमेंट कैसे हो, क्योंकि अब सब जगह देखिए अभी सीबीआई डायरेक्टर कैसे बनेगा वो तय हो गया, इलेक्शन कमीशन कैसे बनेगा ये तय हो गया, गवर्नर जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है उसका अपॉइंटमेंट, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं और गवर्नर हाउस पॉलिटिक्स होती है गवर्नर हाउस में। आपने एक अलग पॉलिटिक्स भी की, वो दूसरा सवाल है मेरा कि आपने विवादित बयान देकर सरकार के खिलाफ बयान देकर, खिलाफ नहीं था, मैं एक्सप्लेन समझे गए, देखो मैं सरकार के खिलाफ समझे गए, मैं उसके बाद भी आपको हटाया नहीं गया, चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ। जी जी, और किसानों में काम किया सारी जिंदगी, किसान राजनीति से ही मैं आया था। तो चरण सिंह कहते थे कि जब तुम्हारे वर्गों का कोई सवाल हो उस पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, जो पद हो छोड़ देना। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं किसानों पे नहीं बोलूंगा तो मेरा गवर्नर रहना पे लानत है। जी जी, तो फिर आपको मतलब ऐसा क्या डर था कि नरेंद्र मोदी आपको नहीं हाथ लगाते? नहीं, हटाते कैसे, हटाने का कोई प्रावधान नहीं है गवर्नर को सीधे हटा देने का। हाँ, मुझे वो कहते तो मैं छोड़ देता, कहा भी नहीं मुझे, ये उनका बड़प्पन है। जी, गवर्नर हाउस में पॉलिटिक्स, अभी देखिए जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बंगाल के गवर्नर भी थे तब भी ये बातें आती थी, ये गवर्नर हाउस की पॉलिटिक्स को कैसे, इसको ज़्यादा नैतिक किया जाए, संविधान पर किया जाए? कुछ तो ये होना चाहिए कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है उसमें सिर्फ सिर्फ सरकार की वो ना हो, बल्कि इसमें जुडिशरी से ओपिनियन ली जाए या बाकी अपोजिशन और सब लोगों से लेके, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है उस तरह से हो तो ठीक लोग आएंगे, फिर जो अंगूठा छाप है वो नहीं आएंगे। ये फैसले कैसे सरकार में हो रहे हैं, जैसे बीबीसी यहाँ इनकम टैक्स देखने का हुआ, आप देखिए कि ईडी के डायरेक्टर रिटायर ही नहीं हो रहे, तीसरी बार उनको एक्सटेंशन मिल गया है, ऑर्डिनेंस भी आ गया कि 5 साल के लिए लॉक कर दिया है, सीबीआई के डायरेक्टर एक्सटेंशन पे, कैबिनेट सेक्रेटरी एक्सटेंशन पे, डिफेंस सेक्रेटरी एक्सटेंशन पे, फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सटेंशन पे, ये क्या एक कोई कोटरी बन गई है? नहीं, मेरा इस पे कमेंट करना ठीक नहीं है, अच्छा है लोग इन चीजों को डीपली देखें। एक और बार बार अभी नरेंद्र मोदी साहब जो है वो कह रहे हैं कि विदेशों में साजिश हो रही है और मेरी सुपारी दी गई है मुझे बदनाम करने की। उनकी सुपारी अगर दी गई है, अगर दी गई है तो अडानी को दी गई है, उसकी वजह से वो बदनाम हो रहे हैं, और कोई उनको बदनाम नहीं कर सकता ना वो हो सकते, लेकिन अडानी का उनके पास कोई डिफेंस नहीं है।
नहीं, अडानी के अलावा भी देखिए मामले हैं, अडानी तो है, लेकिन जो आरोप लगते हैं, जैसे मान लीजिए कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम बहुत नीचे गए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे गए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो केरला का चैनल है मीडिया वन, उसकी उस पर रोक हटाई है, और रोक हटा के उसने लंबा चौड़ा एक बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ जजमेंट आया है जो प्रेस फ्रीडम का ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। और आप चाहे जितना भाषण दे दें, हम चाहे जितना वीडियो बना दें, लेकिन जो इनकम टैक्स की टीम बीबीसी में चली गई, उसने पूरी दुनिया को एक घंटे में बता दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार में प्रेस फ्रीडम का मतलब क्या है। हाँ नहीं, लेकिन ये तो कोई सुपारी देने से नहीं हुआ ना, ये तो उनका ही किया हुआ काम है। जी, तो केवल अडानी का मामला नहीं है जहाँ विदेशी लोग बोल रहे हैं, जितने और भी मामले हैं। राहुल गांधी को पार्लियामेंट में ना बोलने देना, तो देश की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, उसका अधिकार था अपने को डिफेंड करने का, और स्पीकर ने ये हिम्मत नहीं जुटाई कि उसको बोलने देते। अमेरिका का बयान आया, जर्मनी का बयान आया, यूरोपियन यूनियन का बयान आया, अरे भाई जब अडानी पे बयान नहीं आया। जब आप बोलोगे अब की बार ट्रंप सरकार, तो दूसरे भी बोलेंगे आपके लिए। तो आपको लग रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से नरेंद्र मोदी सरकार की केमिस्ट्री ठीक नहीं है? नहीं नहीं, वो सब मुझे पता नहीं, मैं इतनी बारीक चीज़ें जानता भी नहीं हूँ। बट दूसरे लोग ऐसा नहीं है कि नहीं बोले, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन्हें अपनी राय रखने का हक है, आप भी रखते हो दूसरों के बारे में। आगे आपकी पॉलिटिक्स किधर जाएगी? कुछ नहीं, मैं तो कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, अपने 24 के कैंपेन में रहूंगा। किसके लिए? जो इनको हरा रहे होंगे। आरएलडी ज्वाइन करेंगे? नहीं, कोई सवाल ही नहीं, आरएलडी जितनी बड़ी पार्टी तो मैं खुद ही बना सकता हूँ। जयंत चौधरी के बारे में? आरएलडी को सपोर्ट करूंगा, जयंत को सपोर्ट करूंगा, अखिलेश को सपोर्ट करूंगा। अपोजिशन यूनिटी बनाने में कोई रोल आप? मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग उससे सहमत हो रहे हैं, अभी नीतीश आने वाले, उनसे भी मिलूंगा कि भाई 1-2-1 वाला कर लो जो वीपी सिंह ने किया था, बिना कोई यूनिटी किए, एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार, ये सहमति हो जाएगी तो सारा काम हो जाएगा। आपको लग रहा है ऐसी सहमति? सहमति हो जाएगी, सब जितनी फीडबैक है मेरा सब सहमत है। मुस्लिम्स को लेकर, खासकर माइनॉरिटीज को लेकर, कभी चर्चों पे हमले, कभी मस्जिदों पे हमले, अभी बिहार शरीफ में हुआ और सासाराम में हुआ, बंगाल में हुआ, बजरंग दल के लोग और प्रधानमंत्री के भी बयान ऐसे ही आते रहे बीच बीच में, कपड़ों से पहचान लो, कब्रिस्तान, शमशान, ये जो पॉलिटिक्स की या लोकतंत्र में ओपिनियन मोबिलाइजेशन की, लोगों को एक तरफ लाने की, जो पोलराइज करने की जो पॉलिटिक्स, ये ठीक नहीं है, इससे देश कमजोर होगा, देश ताकतवर नहीं होता इससे। सबको साथ, देखिए आप यहाँ से मुसलमानों को भगा नहीं सकते हो, तो उनका विश्वास लेके उनको मेन स्ट्रीम में डाल के ही आप देश को आगे बढ़ा सकते हो। लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, संविधानवाद का, और क्योंकि आप तो लोहिया के वो रहे, अनुयायी रहे हैं, उनके फॉलोअर रहे हैं, तो आप क्या भविष्य देखते हैं आगे? देखो, इस देश में बहुत जीवनी शक्ति है यहाँ के लोगों में, ये तो इमरजेंसी वाली इंदिरा जी का इलाज कर दिया था इन्होंने, तो ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये इस देश में सब चीज़ों को प्रदलित करते चले जाएंगे, कभी ना कभी जनता खड़ी होगी और वो जवाब देगी। सतपाल मलिक जी, आपने इतनी बात की हमसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नमस्कार। दर्शकों, ये सतपाल मलिक साहब थे, गवर्नर 4 राज्यों के रहे, जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर रहे, और जैसा मैंने पहले कहा था कि आखिरी इसलिए क्योंकि अब वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और अपने बयानों को लेके चर्चित रहे, जिसमें अभी भी उन्होंने बहुत बेबाकी से आपके सामने अपनी बात रखी, और अगले सप्ताह फिर किसी चर्चित विषय पे, किसी चर्चित शख्सियत के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। डायलॉग में हम हैं
बोल्ड, ब्राइट और बैलेंस्ड। देशबंधु प्रेजेंट्स टीवी लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां है खबरें लगातार। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी के एक ट्वीट से आज सियासत में फिर से हड़कंप मच गया है। ट्वीट में सवाल वही था जो राहुल गांधी पहले भी कई बार मोदी सरकार से कर चुके हैं कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए